तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद पर हो रहे प्रदर्शनों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर राज्य में डीएमके के बाद अब किसान केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज कावेरी नदी के तट पर किसानों ने खुद को रेत में गले तक दफन कर दिया। पंजाब के किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैकेज की मांग को लेकर पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सांसदों ने हाथ पर तख्तियां लेकर किसानों की ऋण माफी की मांग की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत यात्रा पर शुक्रवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। ओली 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भारत में होंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ओली का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली की यह पहली भारत यात्रा है। बीजेपी अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, देश में जो मोदी जी की बाढ़ आई है उसके डर से सांप बिल्ली नेवला सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। वेबसाइट की होम पेज पर चीनी भाषा में कुछ लिखा गया है। रक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई है। मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हैकिंग किस ग्रुप ने की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सलमान खान को काला हिरण मामले में सजा मिलने के बाद बेहद घटिया बयान दिया है। आसिफ ने कहा है कि सलमान खान को 5 साल की सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये भेदभाव दिखलाता है। मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी में प्राइवेट बैंकों के प्रमुखों को मिलने वाले बोनस में देरी हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हवाला देते हुए बोनस पर सवाल उठाए हैं। जिनका बोनस रोका गया है उनमें आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत गोल्ड मेडल के साथ की। शुक्रवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टर संजीता चानू ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देशवासियों को सुबह सुबह शानदार तोहफा दिया। ये भारत का दूसरा गोल्ड और कुल मिलाकर तीसरा गोल्ड है। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार सपाट तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर 33,627 और निफ्टी 6 अंक की उछाल के साथ 10,332 के स्तर पर बंद हुआ। कुछ दिन पहले यामी गौतम ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह पोल डांस करती नजर आ रही थी। यामी ने फिटनेस के लिए पोल डांस का कोर्स शुरू किया है और उसे बहुत एंजॉय कर रही हैं। लेकिन उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यामी एलियन की तरह नाचती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आपको हंसी छूट जाएगी।